नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा अवतार है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। कौन है माँ कात्यायनी? मान्यताएं हैं कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से खुश होकर आदिशक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी ने ही अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का रूप। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन अच्छे से स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहने माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए पहले माँ को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान जरूर करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पुष्प और जायफल देवी को अर्पित करना चाहिए। देवी माँ के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। माँ की आरती करें और आखिर में प्रसाद वितरित करें। पसंदीदा रंग और भोग। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल है। पूजा करते वक्त माँ को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग बहुत पसंद है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा करने से डर और रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।